आपके दोसर इंसान के सिर्फ कमी नजर आवेला, लेकिन हमनी के ओकर अच्छाई भी नजर आवेला। हम काहे आपके समझाता नहीं, आप तो चिकना घड़ा जैसन बानी, कुछ समझे ना आवेला आपके। लेकिन एक बात आप अच्छा से समझ ली कि अभी के अभी आप हमार और हमार बेटी प्रीता के नंबर अपन फोन से हमेशा खातिर डिलीट कर दी। अभी रिश्ता ना होई, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगावे से बच सकेला, अपना आपके जेल के सलाखों के पीछे बंद होके से बचा सकेला, अपन नाम पे जो कलंक लगल बा तो ओकरा मिटा सकेला। लेकिन प्रीता करे के का पड़ी हमरा के बोलो। तू मनीषा से शादी करला, आप लोग हमके ऐसे मत देखी, हम कोनो मजाक नहीं कर रहे, हम बहुत ही सीरियसली बात बोल रहे बानी, काहे कि हम ई केस के बहुत अच्छा से स्टडी कर ले बानी, पूरा रात हम ई बारे में सोचत रहनी, और मनीषा और उकर जोन भी कंपेनियंस बा वो बहुत ही तेज बा करन, उस सारा के सारा जो हमार गवाह बाना ओकरा खरीद ली है, और हमारे डिफेंस में हमनी के पास कुछ भी ना बची। अब हमनी के पास एक एक रास्ता बा, तो मनीषा के कहदा कि तू ओकरा से शादी करे के चाहे। अरे आर यू क्रेजी, मनीषा से शादी करब मतलब समझे लो लाइफ टाइम जेल। हम तोरा डम्बो कहत रही, चौथी फेल कहत रही, लेकिन बट आई मीन इट, तू बड़ो डम्बो ना। अरे तू उनका ऊपर काहे भड़कता रहा यार, उनकर गलती थोड़े ना बा, वो तो उनकरा से उमिलल बड़ी, ऐसे उडर गल बड़ी तनी, ऐसे तो चुप रहा और तनी रिलैक्स करा। आप सही कहते नहीं ऋषभ भैया, वरना ऐसे तो कहीं सोच भी नहीं कह सकत। और देखा ना करण भाई तो वैसे ही शादी करके निकल चाहत, और उनका पीछे अच्छा अच्छा लड़की के लाइन लगल पड़ल बा, वो मनीषा के काहे एक्सेप्ट करियन, दैट टू हिज वाइफ, एकर कोनो चांस नहीं है। एम आई राइट भाई, बताओ ना। पिताजी प्लीज आप बुरा मत माने, हमरा भी ऐसा लगा था कि हमरा पता बा कि जॉनी सब कुछ भइल ओकरा वजह से आपके दिमाग पर बुरा असर पड़ल बा, लेकिन प्लीज आप इस सब, लेकिन हम पूरे तरह से सहमत बानी प्रीता जी के बात से, और हम आप लोग से रिक्वेस्ट करें कि आप लोग भी उनकर बात पूरा तरह से सुनी, क्योंकि ये एक और रास्ता बा जो करण की मुसीबत से बाहर निकाल सका था। अरे आप सबके दिमाग खराब हो गए बा, हम केहू से शादी ना करब, फॉरगेट मनीषा ओके। हम इस बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च के लिए बानी, बहुत सारा ऐसा केसेस देख लिए हैं, और हर केस में उले की जो इल्जाम लगा वेली ना, ओकरो से शादी करे से वो अपन कंप्लेन वापस ले ले वेली। करण प्लीज तू समझे की कोशिश काहे न करेला, तो के अंदाजा भी बा कि तू अपन बर्बादी के कौन कगार पे खड़ा बाड़ा, तो हर घर परिवार नाम करियर एम्बिशन सब कुछ तू एक झटके में खो दे बा, अगर तू मनीषा के शादी करे खातिर नहीं कहती बा। हम आपके बात समझते हैं मिस्टर पृथ्वी, लेकिन हमार तजुर्बा कहता कि दुश्मन के कबो कमजोर ना समझे के चाहिए। हमारे हिसाब से हमके एक बार चल के उनका से मिले के चाहिए, हमके पता तो चले कि आखिर वो कौन नया चाल खेल रहा है। आई थिंक मिस्टर सिन्हा यू आर राइट, पृथ्वी हमके एक बार तुम्हारे जाए के चाहिए, देखे के तो चाहे कि उनका दिमाग में आखिर चल का रहा बा। हो सकेला शायद मजबूरी में वो कोनो ऐसा ऑफर हमके देते जो हमारे फेवर में हो और हमारा केस और स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाए। गुड, वेरी गुड, बात में दम था। मनीषा तू एक काम कर, तू इमीडिएटली इनका साथ लुथरा हाउस जा, वहाँ जा, देखा सुना समझा, और जब भी तो के समझ में आए वो आके हमके समझावा कि वहाँ पर का चल रहा है। ओके, और मनीषा तोरा के जे भी ऑफर दे ही ना उलो, तू ओकरा के मना कर दिया, ओकरा बाद वो सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाई है, चिखिए चिल्लाई है, तोरा पर इल्जाम लगाई है, उस सब चीज रिकॉर्ड कर लिया, तोरा पास एक और प्रूफ हो जाई उनकरा के गलत साबित करके। वहाँ पर जेबी मनमानी करी ना, हम ओकरा सबूत बना के ओकरा कोर्ट में पेश करब उनका खिलाफ, ताकि हमार केस और स्ट्रॉन्ग बन जाए। बेचारा दोनों भाई ऑलरेडी तो हमारा ट्रैक में फंस चुका है, आई विश वो तीसरा भाई और उनका मुन्ना समीर वो कोनो तरह ट्रैप में फंस जाए तो मजा ही आ जाए। एनीवेज ज्यादा समय बर्बाद केला से कुछ नहीं खे, मनीषा तू जल्दी से इनका साथ जाके लुथरा हाउस चल जा। लेकिन मिस्टर सिन्हा आपकी क्या लागत वो मीटिंग में के हुई? जाहिर सी बात है मिस मनीषा, करण ऋषभ हुई दोनों, अरे पूरा दुनिया के थोड़ी ना बुलाई अपने हेल्प खातिर। एब्सोल्युटली राइट, अब चाहे चलती, बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एकरा बोल जाला हेलीकॉप्टर शॉट। ई करण लुथरा इतना टाइम काहे लगा रहल बा? पता ना हमनी के इतना जेंटिल काहे बुलाइलस, कोनो तो खास बात होई? अरे करण लुथरा हा काम, और हमरा तो इन्हीं के समझ में आउत कि मोलेस्टर करण लुथरा इतना बदनाम हो चुकल बा, लेकिन फिर भी हमरा के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला लिया बा, कुछ तो खिचड़ी पकाता है करा दिमाग में।
वेल हेलो 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 थैंक यू सो मच इतना शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ इन्हीं हमरा बुलावे पे वेलोगो सेलिब्रिटी होके के नाते हम चाहें या ना चाहें तब वो सोशल मीडिया के तरह हमारी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकल बनी कबो हम आप लोग से नाराज हो जाएली कबो आप लोग हमरा से नाराज हो जाएली जब हम आप लोग की उम्मीद पे खरा ना उतरे ली जैसे कि हम अपन पहला सेंचुरी बनेनी तो आप लोग जम के हमारी तारीफ करनी हम के सर पे उठा लेनी और ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीते के बाद आप लोग के लागल के ओकर जिम्मेदार हम बनी तो आप लोग कहनी करण लूथरा क्रिकेट के नया स्टार और जब हमरा से गलती भइल जब हम नशा के हालत में मोनिशा के साथ बदतमीजी कइनी तब भी आप लोग हमरा के बख्शनी ना का कुछ लिखनी हमरा बारे में लेकिन ठीक कहनी कि आप लोग हमरा के बख्शनी ना लेकिन जौन सच्चा आपन हो खेले उ सिर्फ प्यार ही ना करेले बल्कि गलती हो खेपे ऐसे पेश भी आवेले जैसन कि आप लोग कहनी और यही खातिर हम आज सबके यहाँ ही खातिर बुलेले बानी के अपन गलती के सुधार सकी कहे कि हम और मोनिशा मनीषा 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 I was just waiting for you. Come. I'm really, really, really sorry, Monisha. उदिन जोन कुछ भी होटल में भाईल, उकरा खाते really sorry. अब तू का चाहलू? सिर्फ हमसे शादी कर लेना. और हम नशा की हालत में तारा साथे इतना बदतमीजी कहनी. लेकिन वो गलती हमार ना रहे. शराब के रहे और यही खातिर गलती आज हम सुधारे चाहता नहीं जस्ट गिव मी अ मिनट Monisha, will you marry me? Again, I'm sorry. Monisha, हम अच्छा तरीके से जाने ली, तो हमसे बहुत प्यार करेलू। हमरा ऊपर जान छिड़के लू एक बात हम बताई हमके अभी अभी एहसास भइल कि हम भी तारा से बहुत प्यार करेली और अपन पूरा जिंदगी तारा साथे बितावे चाहता नहीं मनीषा का भइल तू कोर्ट में काले रहलू ना तू हमसे शादी करे चाहता रू हम भी तारा से शादी करे चाहता नहीं तका तू हमार हाथ थम्बू हमरा साथे साथ फेरा लेबू का हम तहार उंगली में अंगूठी पहना सकेली चलाए व्हाट नॉनसेंस का भाई सब हमार दोस्त लोग हमार जान हमरा से रूठल बाड़ी यह हमार जान निकलत बा और मैडम के लागत बाकी हम खेल खेलत आई यही खातिर हम आप सबके यहाँ बुलाइले बानी कहे कि हम आप सबके अपन परिवार समझेली आप सब एकरा समझाई हम आप सबके सामने ऐलान कराता नहीं कि हम मोनिशा के साथ शादी करे चाहते नहीं बिकॉज आई एम लव गाइस आप सबके सामने हम शादी के कमिटमेंट कराता नहीं अब ऐसे बल प्रूफ तो हम ना दे सके ना मोनिशा गणेश चतुर्थी के दिन हम मोनिशा के साथ रोका करब और उसके बाद शादी भी हम शादी से भी पीछे ना हटब और शादी भी बहुत जल्द हुई Thank you.
मोनिशा शर्मा, विल यू मैरी मी? ऑफ कोर्स यस। मोनिशा, कहा मैं अंगूठी तोरा पहना सकेली? प्लीज नेके करी के हम के तोरा से शादी। ना करे के चाहत रहनी, ना कहे के चाहत है, और ना ही करब हम। हे भगवान, ई का बोल दिलास। मनीषा प्लीज, देखा हम जाना था नहीं, हमरा से गलती भइल बा। यस, बहुत बड़ गलती हो गेल बा हमरा से, प्लीज माफ कर दा। हम तोरा बिना जी ना पाई मनीषा। मनीषा आई एम रियली सॉरी, हम जाना था नहीं, हम तो हर दिल दुखेले बानी, प्लीज। लेकिन काहे ना मनीषा, हाँ तुहारी सपना रहे ना कि तू हमरा से शादी करे चाहत रहलू, और तू दिन कोर्ट में बल्ले रहलू कि तू हमसे शादी करे चाहता रहू, यह तोहर सपना बा। अब तो हम भी तोरा से शादी करे चाहता नहीं, प्लीज मैरी मी, हम तोरा बगैर जी ना पाई मोनिशा, प्लीज। कोर्ट में आप कहले आप इनकार से शादी करे के चाहते हैं, अब जब सामने से प्रपोज करते इनकार काहे करत हैं? हम वहाँ रहनी और तू साफ साफ कहले रहलू कि तू शादी के नाम से ही करण के अपन करीब आवे देलू, तो वो सब का झूठ रहे या जे हमने देखा था नहीं, वो तो हर सच बा। और एगो लड़का के तबे करीब आवे देवेली, जब ऑब्वियसली जब ओकरा से शादी करे के होला, तो अब अचानक से पलटत काहे बनी आप? आखिर वजह का बा? पार्टी में प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेला और अब इनकार करत हो, कहीं ऐसा तो ना जे तू दिखात हो हाउ ना? ओ, अब कोनो नया कहानी तो ना बना बता दू? बस बस आप लोग प्लीज 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 इतना सवाल मत करी, मनीषा से उतनी कंफ्यूज बड़ी, आप और सवाल पूछब तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाये। लेकिन आप सब तो हमारे फैमिली बानी, ये खातिर आज अगर आप लोग मनीषा के हमरा से शादी करे खातिर मना लेनी, तो हम जिंदगी भर आप सबके शुक्रगुजार रहब। आप कैमरा प्लीज, गाइस प्लीज 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 सपोर्ट मी एंड आस्क मनीषा टू मैरी मी, प्लीज गाइस प्लीज, दिस इज योर करण लूथरा। करण लूथरा नेशन स्वीट हार्ट, आज ही अभी अभी मनीषा के शादी खातिर प्रपोज के लिए बढ़ल। गर्ल्स सो सॉरी, आपके दिल तो जरूर टूटी, बाकी ब्रेकिंग न्यूज ई बा कि मोनिशा आप करण के हो चुकल बाड़ी। जी हाँ, बाकी लड़की मानत नहीं की। कम ऑन एवरीबॉडी, अगर हमनी करण के साथ दे पूरा कंट्री करण के साथ दी, तो का ना हो सकेला। तब भी हमनी के साथ करण और मोनिशा के मुहिम में शामिल हो जाई और कहीं प्लीज मैरी करण लूथरा द नेशन स्वीट हार्ट। तई तोहार चाल बाना राइट, यह चाहत रहलो न तू? तला आज तोहार विश पूरा हो गए, करण लूथरा तोहार लाइफ पार्टनर बने खातिर जा रहल बा, प्रॉब्लम का बा? मनीषा प्लीज हम के टुकरा के मचा, देखा गणेश चतुर्थी वाले दिन हमनी रोका कर ले, हम और हमारे परिवार तू लोग के इंतजार करी, प्लीज भी दया। हाँ, हमनी दोनों के रोका हुई खुशियाँ हुई, हाँ प्लीज भी दया। आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू, गॉट इट? मोनिशा मोनिशा, हम तोरा बगैर जी ना पाई मोनिशा, वकील साहब आप समझाई नहीं का मोनिशा के हमरा बारे में, वकील साहब। करण लूथरा सच में सराफत के जियत जागत मिसाल वाड़े, ये लड़का तो खरा सोना है, आपन गलती मान के सुधारे खातिर भी शेर के करे जा चाहिए। करण लूथरा जैसा मशहूर खिलाड़ी अगर अपन घुटना पे जाके लड़की से प्यार खातिर भीख मांगा था, तो यकीन मानी दोस्तों यह सच्चा प्यार है। वाकई में मोनिशा कितना किस्मत वाली बाड़ी जेकरा खुद करण शादी खातिर प्रपोज कर ले। वेल डन प्रीता। मैडम एक मिनट, मैडम का बा? रुकी तो सही, बात तो सुनी, मिस मोनिशा का कर दे लिया आप, करण लूथरा के शादी के प्रपोजल ठुकरा दे लिया आप, ये ठीक ना कह लिया आप, हम तो कहते बहुत बड़ गलती कह दे लिया, समझ ना आवेला अपन ही पैर पर कुल्हाड़ी काहे मार दे लिया। जस्ट शट अप ओके, हम के समझावे की कोनो जरूरत ना बा, नाउ गेट लॉस्ट, फॉरगेट इट। थैंक यू मिस्टर ऋषभ लूथरा, थैंक यू करण लूथरा। शुक्रिया सर, आप लोग हमनी के यहाँ इन्वाइट कर ले और इतना अच्छा इंटरव्यू दे ले और सारा बात की खुलासा हो गयी। हाँ जी, पूरा मीडिया आपके साथ है, आपके मोनिशा के शादी करा के रहब, इमें पूरा इंडिया आपके साथ है। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ईच वन ऑफ यू कि आप लोग इतना शॉर्ट नोटिस पे आए नी, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस थैंक यू यार, तुहरा जैसा चतुर लेके अगर केहू के दोस्त होके ना, तो अगर केहू कुछ ना बिगाड़ पाई, एक ही तीर से कितना निशाना मार दे लू। हाँ वेरी गुड,
वैसे हमरा बिल्कुल भी ना लागल रहे कि आइडिया सक्सेसफुल हो जाए। एक बार तो हमरा भी लागल कि मोनिशा अपन दिमाग खराब कर दे ली। वैसे हमरा जेन्युइनली 1% भी ना लागल रहे कि आइडिया वर्क करी। आई मीन हमके एक सेकंड खातिर लागल कि तू हमार दुश्मन नंबर 1 बन गेल बाड़ू, तू हमार शादी करावे चाहत बाड़ू, जबकि तू अच्छा तरह से जाने लू कि हम शादी ना करे चाहता नहीं। वेल डन प्रीता। थैंक यू। थैंक गॉड प्रीता जी कि आप अपन बात पे अड़ल रहनी और आप हमने के मजबूर कर देनी अपन बात मानला पे। यस एंड आई एम सॉरी, हम बेफजूल में तोरा इतना बात सुना देनी। देखा करण, मनीषा तोहार लाइफ में पहला बार आयल बाड़ी, इससे पहले ना कोनो जान पहचान ना कोनो दुश्मनी तो कोनो बदला वाला बात भी ना बा, राइट? आईसीबी की पार्टी में तू मनीषा का पहला बार मिलल रहला ना? या। और हमने यो जाना था कि मनीषा पैसा के लालची नहीं खे, कहे कि अगर उसका पैसा चाहे होइत तो जब ऋषभ जी ओकरा 1 करोड़ रुपया ऑफर के लिए वो चुपचाप ले लेती, पर वैसे नहीं के लिए एकर मतलब साफ बा कि लेकी केहू के कहे पे ये सब कुछ कर रहा बाड़ी, और ये भी इंसान माना वो कर दिल के करीब पड़ी, क्योंकि केहू दिल के करीब हो खेला तबे इंसान ये हद तक ओकरा खातिर चल जाला, राइट? करण, तू मोनिशा के जब वो भी मैरिज प्रपोजल देबा तो वो हिल जाई, वो घबरा जाई, ओकरा समझ नहीं कि आयो कैसे रिएक्ट करी, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं की हुई कि करण इतना स्मार्ट मूव खेल सकेला। अभी तक हमें डिफेंडर्स रहनी, लेकिन अब हमने अटैकर्स बन जाए, फिर ये लेकी परेशान हो जाए और हर बड़ी में कुछ उल्टा सीधा कर दी। करण, जब तुहार साथी सब कुछ भयल रहे ना, जब तुके फसायल गेल रहे ना, वो जगह अलग रहे, वो सेटिंग अलग रहे, हम अनप्रिपेयर्ड रहनी, हमके पता नहीं रहे कि कहा होके वाला बा, लेकिन अब ये मैदान में गेम भी हमारी हुई और रूल्स भी हमारी हुई। इनफैक्ट ओकरा हर वक्त इ तरह घेर के रखब ताकि वो हो हमार रूल्स पे चले के मजबूर हो जाए। अगर वो शादी खातिर हाँ कर देवेली ना, समझ ला गेम पलट गई। एक बार तो हर रोका हो जाए, जौन तरह ई लेकी नशा के ड्रिंक्स पिला के तो के फसली रली ना, हमके मौका मिल जाए, हम भी उकरा ड्रिंक्स पिलाई, का पता नशा की हालत में वो सबको सच बोल दे। और अगर वो सती सावित्री खानी एक्ट करे था, मतलब कि हम ड्रिंक ना करे नी, हम पिए नी ना, मतलब ऐसा करी तब ठीक बा, माननी कि हमार वो प्लान भी चौपट हो गए ना खे चलल, फिर भी हम इतना जानत है कि मैरिज के प्रपोजल सुन के वो घबरा जाए, बुरा तरह हिल जाए, काहे कि उकरा साथ इन्वॉल्व पड़ी, ओके समझना आई कि अबू जाल से छूटी कैसे, अपने आप के छुड़ाई कैसे, और वो वक्त वो हर बड़ी में कुछ ना कुछ गलत जरूर कर दी जौन से हमार हाथ में बड़ा सुराग लग जाए, हमके पता चल जाए कि ककरा खातिर सब करल बाड़ी, या ओकर का मकसद बा, वो का चाहेली, एकर पीछे का प्लान छुपल बा, और फिर वो इन्फॉर्मेशन हम तो के निर्दोष साबित करे में कर यूज कर सका थे। मोनिशा के जब तक पता चली कि हमार इरादा का बा और ये मैरिज प्रपोजल सब फेक रहे, तब तक हमार हाथी सच लग जाई, पता चल जाई कि के बा जे करण के खिलाफ इस साजिश रच ले बा। बहुत बढ़िया प्रीता जी, फैंटास्टिक आइडिया, तनी क्रूक बा, लेकिन जब सानवाला क्रूक बा ता हमने का तनी क्रूक बने के पड़ी। अरे लेकिन वो शादी खातिर हाँ कर दे ली तब? नहीं के करी, पहला बार तो ना ही करी देख लिया, और ओकर ना करे करण तो हर फेवर में जाए। लेकिन एक बात कमाल के बा, तू मोनिशा के एकदम करेक्ट परख लू, हाँ एकदम करेक्ट जज कर लू। अगर हम ओकरा करेक्ट पर रख ले बानी ना तो देखिया आगे भी जीत हमारी हुई। यस, और अगर वो बाद में हाँ भी कर दे ना तब भी फंसी, काहे कि जब हम ओकरा अंगूठी पहनावे की कोशिश करेंगे ना तो ऑलरेडी ओकरा हाथ में एगो अंगूठी रहे, एकर मतलब ओकर लाइफ में केहू बा। हम कले रहे ना, अब वो हाँ करे तब भी फंसली, ना करे तो भी फंस गेली, कोर्ट में तो गलत प्रूफ हो ही जाए। प्रीता जी कोर्ट तो छोड़ी, मीडिया ओकरा ऊपर हाथ धो के पड़ जाए, ओकरा लगे कौन जवाब नहीं के बचल। अरे कितना झूठ बोली ऋषभ जी, रिपोर्टर्स के तो ओकर नियत पे अभी भी शक होकत रहे, अगर वो शादी से मना कर दे बोली ना तो कोर्ट में जो बयान देले बाड़ी वो गलत प्रूफ हो जाए, और फिर हम जो गवाही देले बानी जज ओकर बारे में सीरियसली सोची है, इना सोची कि हम यही खातिर कह देनी काहे कि हम करण के दोस्त हैं, अब चाहे वो हाँ करे या ना, देखिए जीता मार ही होगी, पता ना केकरा साथ मिलके वैसे प्लानिंग करल बाड़ी, लेकिन देखिए बहुत जल्द अपन कैल पे बहुत ही पछताई कि वो गलत के साथ काहे दहली। खैर जॉन कुछ भी भैलो के, प्रीता जी खातिर जोरदार तालियां। हमनी के स्टार प्लेयर करण लूथरा, कितना प्यार है लड़का बा, आप देखनी कितना प्यार से वो लड़की के मनावत रहे शादी खातिर, सो स्वीट, खुद के गलती कबूल करे खातिर बहुत हिम्मत चाही, शराफत के असली परीक्षा आज दे देले करण, हमनी के सबके आपन दी करण लूथरा, वी लव करण एंड आई हेट यू चित्रा। ये एनजीओ वाले देखो कैसे अपन रंग बदलता, बात से पलट रहा, जब ग्रेट इंडिया प्लेयर पकड़ा गेल रहे तब कैसे आग बरसावत रहले, और अब फूल बरसा रहा,
ये बात में कोनो शक नहीं है कि करण लूथरा शरीफ रहल, शरीफ बा और शरीफ रही। होकर अच्छा संस्कार आज खुल के सामने आवता। वो मोनिशा के हाथ मंगले बा, जिंदगी भर के साथ मंगले बा। वो अपन कैला पे सच्चा मन से पछतावता। वे कोई छोट सा गलती तो कैले रहे, वो अपन होश में ना रहे और अपन प्यार की इजहार कर ना पाई ठीक से, लेकिन ओकर इरादा तो ठीक रहल ना। वो लड़की भी कहली कि करण लूथरा ओकरा के अंगूठी पहनावे के चाहत रहा, तो के कह सकता कि करण लूथरा के नियत खराब रहल। एग्जैक्टली, इनफैक्ट अभी तो हमरा वो लड़की मोनिशा के नियत पर शक हो रहल बा। आखिर वो शायद ही ड्रामा अपन पब्लिसिटी खातिर कैले होगी। वो शादी करे से मना काहे कर रहल बाड़ी? आखिर वो करण के साथ वो कमरा में गल रहे काहे कि ओकरा शादी करे के रहे, और अभी वो खुदे पलट गयी। या फिर शायद ओकर पहले वाला जो बयान रहे वो भी झूठा हो सकेला। आप बिल्कुल सही मुद्दा पे रोशनी डालले बानी चित्रा जी। पहले करण गलत नजर आवता रहला, लेकिन अब तो ये कहानी अलग नजर आवता। उहे ता पहले ये लड़की बेचारी बन के फरियाद करत रहली कि हम शादी के प्रॉमिस के भरोसे रहनी, और अब जब प्रॉमिस पूरा प्रपोजल चल के आयल बा तभी एटीट्यूड दिखावत पड़ी। और अरब जी आप देखनी, करण बेचारा अपन घुटना पे झुके वो लड़की से रिक्वेस्ट करत रहे। बेचारा तो लड़का बा, लड़की ना। आप बिल्कुल ठीक कह ली चित्रा, वो लड़की मना कर रहा ला। एक मतलब तो बिल्कुल साफ है, मोनिशा के खातिर ई केस एगो पब्लिसिटी स्टंट रहे और कुछ ना। What the hell? का बोलती है? हम चाहते हैं कि तोके सिंपैथी मिले, लेकिन उल्टा हो रहा ला, तोरा खिलाफ हो रहा ला। जीतल बालजी पलट चुका ला जस्ट बिकॉज ऑफ यू। Hey, you listen. हम करण लूथरा से शादी बिल्कुल नहीं करब। तोहर दिमाग तो ना खराब हो गई बा? तो कि जनत ने की बाड़ा कि हमार बॉयफ्रेंड बा? और ऋतिक यहाँ पर हाँ भी ना, वो कब आई लंदन से? ओकरा बहुत टाइम लगी आवे में। हमके इस सारा बात ओकरा साथ डिस्कस करे के बाद, समझ गेला तू? ना, बहुत टाइम लगी ओकरा आवे में। लंदन में बहुत सारा मीटिंग पेंडिंग है, सारा मीटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ओकरा दे रखले है, तो ओकरा आवे में टाइम लगी। हम बस इतना जानत है कि तू शादी की खातिर हाँ करबू। Hey, are you crazy? Yes, I'm crazy, but I'm talking in my senses. अगर तू अपन कान खुलल रखतू ना, तो के सुनाई देते कि हम तोरा से का कर। कोनो बात ना, एक बार फेनू से कहते सुना कान खोल के, हम तोरा से इना कले कि शादी के खातिर हाँ का, इना कले कि जा और जाके शादी कर ला। शादी कोनो हलवा है का मोनिशा? जे तू हाँ कह देला तो के मंडप पे बैठा देली और पंडित जी कह देले लैका लैकी और वरवधू हो गई स्वाहा। 50 रस्म होला और हम उलुथराज और अरोराज के अच्छा से जानेला। वो लोग पंडित जी में विश्वास करेला, उनके मर्जी के बिना वो कुछ न करेला, तारीख के चक्कर में फसल रहेला। हम कहीं देखला हमारा और प्रीता की शादी कब से तय हो गई रहे, लेकिन भैल का अब तक ना भैल, तोरो भी ना हुई। I am damn sure कि दुश्मन के कैंप से ऑपोजिशन टीम ना हमारे खिलाफ कोनो ट्रैप बने ले बा, ताकि हम अपन ही ट्रैप में फंस जाए। पर कोनो बात ना, जितना गेम खेले के खेले था बेचारा के पता ना एक बात कोच क्या। अब हम कुछ ऐसा कर जरा से ई गेम उकरे पर पलट जाए। मोनिशा बस तू शादी खातिर हाँ कहता, बाकी सब कुछ हमरा पर छोड़ दे। तो हर शादी ना हुई बस हाँ कह दे एक बार। तो के शायद एक बात ना समझ नहीं आई, हम कहने ना हमें शादी नहीं करब, मतलब नहीं करब। मोनिशा लिसन, लिसन मोनिशा, शादी तो तू मोनिशा कैसे ना करी शादी, हम देखा थे शादी तो करे के पड़ी ओकरा। आगे ले का हो रहल बा? हाँ का करत बड़ा तू लोग? करण तू लेकी मोनिशा से शादी करल बड़ा काहे? हम तो हर माँ मानी, अभी जिंदा मानी, हमरा से एक बार पूछे जरूरी नहीं के समझ ले तू का। हमके तौले की बिल्कुल पसंद नहीं है बाड़ी, तो हर साथ जोन कुछ भी कह लियो कर बात, हमके नफरत हो गिल बा ओकरा से। दादी हमके कौन उले की पसंद लिया, तो फिर शादी काहे करल बाड़ा ओकरा साथ? उता हम प्रीता के कहे पे ओकरा साथे शादी करत नहीं, राइट प्रीता? प्रीता काली, प्रीता प्रीता हाँ, लेकिन बेटा तू ही कैसे कर सकेलू? हाँ तू तो समझदार लड़की बाड़ू ना, फिर ऐसा ना समझी के हरकत काहे कर रहल बाड़ू? और वैसे भी करण तो तोहार इतना पक्का दोस्त बा, तू ओकरा साथ ऐसा काहे करत बाड़ू? नाना सला आंटी, ऐसा कोनो भी बात नहीं के, सब कुछ एकदम सही बा। तू काहे उकरा के परेशान करत रहला हमेशा? हक बनेला हमार,
प्रीता हमके तारा से बात करे के बा कब यह जो हमके केहू के लेके शक बा ओह माय गॉड तो के भी शक बा हमके भी शक बा ओहो तारा भी शक बा तो ठीक बा उ शक के ना यकीन में बदलला उ भी अर्जेंट बेसिस पे हाँ लेकिन तुम के बतावा कि तुके पता कैसे चलल पता कैसे चलल हाँ अरे बात करके ना बात करके एग्जैक्टली ओकर बात करे के तरीका ही ताम के खटकल ओकर के कर हम मैडम हम आपके बात करता नहीं हम तहार बात करता नहीं का यस हमार बात करल बड़ा हमार बारे में तुके कशक होरल बा अरे हम तो पंडित के बात करल बानी जे लंबा समर घुमता है दिस इज नॉट फेयर प्रीता ओके तू दोस्त हमार बाड़ू लेकिन साइड हूँ पृथ्वी के लेवेलू वैसे तो तू पूरा दुनिया से लड़ जाएलू करण लूथरा खातिर लेकिन जब पृथ्वी के बात आवेलू तो तू हमरा खिलाफ चल जाएलू ऐसे कौन सोने के पर लगल बहु कबूतर में हाँ सो क्यूट तू जब ऐसा बात करेला ना एकदम छोटा सा बच्चा जैसा लगेला लेकिन एको बात बता दी तू बच्चा नहीं की बाड़ा इतना तो समझा कि पृथ्वी जी से हमार दोस्ती के रिश्ता ना बा ओ तो ठीक बा हम भी आज तरह साथे दोस्ती तोड़ता नहीं हमके तरह साथे दोस्त ना रहे के बा बिल्कुल भी ना हमके उहे चाहिए जोन पृथ्वी के मिलेला ओके का मिलता का चाहिए उहे के जब वो हमरा सामने होई तो ओकर वैल्यू बिल्कुल नील होई तोरा नजर में और वो हमसे लड़ी तो ओकरा तू घर से आउट कर देबू आउट 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 ऐसे बोल के प्लीज इट्स नॉट फनी एनीमोर ओके बस करा कितना बार समझाई तो के कि हमार के उसे का रिश्ता बा और एक मिनट हमके तारा मुंह से ना ही पृथ्वी पुराण ना सुने के बा कि पृथ्वी कितना अच्छा बाड़े पृथ्वी ऐसन बाड़े वैसन बाड़े आई एम डन हियर ओके का व्हाट हंसत का है बाड़ू एम आई फनी हंसला हंसला आराम से हमार पांच हाथ बा चार आंख बा तीन कान बा एक यहाँ पीछे भी बा ओके कोशिश करल बानी लेकिन हो ना रहल बा रुक रुक ठीक बा हंसला तू सॉरी 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 अच्छा हमको देख के हंसे तो अच्छा लगे ओह माय गॉड तोहार प्रॉब्लम का बा तोहार एटीट्यूड कैसन बा यार जोन भी हमके अच्छा लागेला उहे चीज तू कहिल बंद कर देवेलू ना हम कब ऐसन कहनी ऐसा ना केलू तो का केलू अभी तू हंसत रहलू हम कहली अच्छी लागता रहू तो तू हंसल बंद कर देलू बस करा तू ना फालतू के टॉपिक उठा के बहस करके शुरू कर देवेला हम? और हमने लड़े के शुरू कर देते हैं और कबो कोनो सोल्यूशन नहीं के निकलेला राइट हम तो के जरूरी बात बतावे के चाहत रानी हमके ना हो बड़ा पंडित के असिस्टेंट बाईगो गोरा लंबा सा ओकरा पे शकुरल बा हमके त लगल बा उ पंडित ने की बा तो के पता बा पूजा से पहले पेट भर के किचन में खात रहे एग्जैक्टली हमके भी ओकरा देख के कुछ अजीब से लगल बा इनफैक्ट हमके भी लागेला कि हम ओकरा पहले कहूं देखले बानी हमके पक्का लगल बा कि कुछो त गड़बड़ बा जे पंडित से रिलेटेड बा तू ना उ पंडित पे अपन नजर रखा और तू अपन नजर ओकरा पे बिल्कुल मत रखिया क्या करा पे पृथ्वी पे ई का हरल बा तू दोनों के बीच काहे तू काहे पूछ रहल बड़ू पूछे के त पड़ी ना काहे कि हम ने के चाहत है कि हमार रोका वाला दिन हमके सौतन गिफ्ट में मिले दोस्त बानी हम करण के अच्छा वाला बहुत अच्छा वाला और मोनिशा उका बना तू प्रीता की आदत डाल ला काहे कि हमार जिंदगी के वो हिस्सा चक्रा हम अपना आप से कभी अलग ना कर सकेली अच्छा तो ई एम के जान बुझ के गुसारल बा ताकि हमें रिश्ता ही तोड़ दी ठीक बा जी जैसन आप कहीं आपके दोस्त हमार दोस्त उम्मीद बा हमार खूब जमी बाना चलत है कुछ तो गड़बड़ है वो लोग जानते रहे कि हीरा चोरी भइल है ये खाते पूछत रहे कि नाकाबंदी हीरा चोरी की वजह से हका वो लोग के राग रंग से पता चलत रहे साहब कि वो लोग कुछ छुपावा था अगर वो लोग सही हुए तो इस तरह से चकमा देके ना भागे ए फास्ट कर लेफ्ट 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 से लेफ्ट अरे यार
कि नाकाबंदी कचरा कर देलस, शिकार हाथ से निकल गए। हम के बहुत टेंशन हो रहा ला। और समर के बच्चा पहले पहुंच गया और डायमंड ले गए ना, तो हमारे करोड़ों के नुकसान हो जाए, ये ना हो सकेला। पहले हम पूछो, अरे चला गाड़ी पीछे कर, चला। चला सच सच ही बतावा कि बॉम्ब से तू केकर स्वाहा करे के चाहत रहला, सच सच बतैया। अब ऐसे घूर घूर के का देखा तारा, देखा सच सच बतैया कि तू के बाड़ा और यहाँ पर का करे आयल बड़ा। अगर हमके ना बतेला ना तभी के हम सबके ए बिल्कुल आवाज मत करिया, चला घूम। पंडित जी क्या करता नहीं, चल, चल, पंडित जी चल। बहुत से बॉम्ब देख ले होगा तू, पर फटे वाला कबो ना देख ले होगा। जोन खेल खेला था नहीं ना हम बेटा, ये बच्चा के खेल नहीं खे। हमरा से ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी तू आज ले ना देख ले होगा। ताई फालतू के रौब हमरा पे जमाइल बंद करा, समझला? समझ गई, अच्छे से समझ गई। एक और बात, खबरदार जोन हमरा काम में दखल अंदाजी करे के कोशिश कर लेता, ऐसा घुसेड़े में नहीं चाकू के गला में ही सांस अटकल रह जाए। तारा खातिर बेहतर ये होई तू हमरा से दूर रहा ना, तो भगवान के आरती उतारे वाला पंडित ना, तारा चिता पे आग लगावे वाला पंडित बन जाई। अरे आप जनाब चुको तो ना, आवाज ना होए कि चाहिए ये देखा तारा ना, घुसेड़ दे बंदर। बिल्कुल बिल्कुल, तारीफ तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, बहुत ज्यादा ना कह दे तू अपन। तारीफ बहुत पसंद है हमके, लेकिन क्यों और के ना खुद के, तब तू सुना। हमरा से खतरनाक बोले ना कोनो रहे, ना कोनो हा, ना कोनो रही, और ना ही तू कबो देख ले कुआ। हम रोज दिखते हैं, पता कहा आईना में खुद के। आई एम द ओनली वन एंड ओनली वन ओरिजिनल मास्टर माइंड पृथ्वी मल्होत्रा, एंड तू का बोलत रहा चिता जलाए वाला पंडित, माई फुट हमार चिता जलेबा। In your dreams, boy, तू चिता जलावे वाला पंडित ना, मार खाए वाला पंडित बने वाला बाड़ा। काहे कि अब हम तोहार ससुराल में कॉल करे वाला है, confused? काहे सब दिना भाई, हम पुलिस के कॉल करब और फिर पुलिस वाला तोहार खूब धुलाई खूब पिटाई करे आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह सुझा दी तोहार, तब तोहार अकल ठिकाना है। जस्ट वेट। लगा लगाओ फोन लगा, वह हम भी करेंगे सब बता देता नहीं कि मनुष्य रोका करे के नहीं खींचा। पृथ्वी करके समझावत रहला, पृथ्वी ओकरा से यो प्रॉमिस करात रहल कि ओकर शादी ओकर बॉयफ्रेंड से ही करवाई, फिर देखा तनी के जाता ससुराल। हम ले ली हमरा के बतावा, मनुष्य रोका करे के नहीं खींचात, तू जबरदस्ती रोका करवाए के चाहत रहा, तू मनुष्य के बॉयफ्रेंड भी नहीं खा, और अगर तू बॉयफ्रेंड नहीं खा तो के हो बॉयफ्रेंड, और तू एजे आयल बड़ा करन के यहाँ पर, और तू ओकर दोस्त नहीं खा, अगर दोस्त के दोस्त होई तो ओकरे पीठ में खंजर घुसेरे के बात ना करता, क्या चक्कर बा? हाँ दुश्मन बड़ा ओकर, अरे का भाई तार चेहरा पे बारह काहे बज गए, तारा का लगा था हम इसे बात करन के नहीं बता सकत कि तू और मनीषा मिलके ओकर परिवार के बर्बाद करे में लगल बड़ा लोग। वो काम करता नहीं, इससे पहले कि तू हमारे पर्दाफाश करा ना, हम करण के सामने तार भांडा फोड़ देता नहीं। हाँ एक सेकंड करण। अरे जो ना बनावे के हमके का करता रही, जस्ट रिलैक्स। हमार भाई हमार दोस्त, तू बताओ ना तुके कितना चाहिए, सेटलमेंट करते ना हम देते तुके 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, कितना चाहिए बोलो। फटीचार इचिलर पार्टी अपने पास रखा, समझता रहा तो नोट ले ला, नोट देते ना तोके 1,000 के भी साइड कर देते, हम लाख देते तोके 5, 10, 15 लाख जितना चाहे बोला, पर अपन मुंह बंद रखा समझला। हम करोड़ों में खेले नहीं, ये 5, 10, 15 लाख अपना पास ही रखा, ऊंट के मुंह में चीरा डाला तेरा बेवकूफ। बेटा तू हमार मनीषा के बात सुन ले ला, ये खाते चुप रह ले, वरना एक सेकेंड में तो हर बैक सीट सुलझा देती हम। ऐसे पंडित हाँ क्या, और का करे आयल है घर में, और पूजा और हवन के करोड़ों मिले लगा,
बेवकूफ तू बड़ा। माता जी सब लोग हवन खातिर तैयार है का? बताए तो हवन के कार्यक्रम प्रारंभ करी। जी पंडित जी, परिवार के सब लोग आगे ले। ऋषभ जी और करण जी हवन खातिर आगे आए। ये हवन और पूजा ये खातिर कैल जा रहा ताकि आपके जिंदगी से सारा कष्ट दूर हो जाए। करण, ऋषभ बेटा आगे जा, पंडित जी जैसन कहले वैसन करा। जी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा परविघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इता कहत रहे कि पेट पूजा में ध्यान ना लग रहल बा, अब खाना खा के भी एकर ध्यान ना लग रहल बा। ध्यान का इता ध्यान लगावे के ही ना चाहेला, गड़बड़ बा ई पंडित के लेके। पंडित के बारे में कुछ होता जीपा, कैसे मुंह फेर के बैठल बा, जैसे पूजा पाठ में बिल्कुल ही डिसइंटरेस्टेड हो। सामग्री से खेल रहा बाप, बेमतलब फूल फेंका जा रहा बाप, छोटा चक्कर बा। अरे अगर एकरा पूजा ही नहीं करे के बा तभी आयल का है बा। अरे कुछ दिखाई न दे रहा। अरे अरे तो गदाबा इतना सॉलिड प्लान कर ले रानी, एग्जीक्यूट भी कर ली, पर हीरा हाथ में ना आई, तारा के दाम लेके ही जाए माजी जैसे। का भाई यार, तो दुनिया के पहला लेके हो जे इतना क्यूट चेहरा के देख के डर जालू। अगर डरे के है ना तो हमला से ना पंडित से डरा। कौन पंडित? अरे वह पंडित जे घर में आयला गणपति खातिर, वो हमके और मोनिशा के बात कर देख लेलस और वो हमके धमकी देलस ऐसे नाइफ दिखा के कि हम तुहार मर्डर कह दे, अगर तू हमारे बारे में क्यों के कुछ भी बतेला तो हम सबके बता दे कि तुहार मोनिशा के बीच में का चलत रहे। आई एम डैम श्योर, हमके 100% शक ना यकीन है कि जो पंडित है ना वो पंडित ना कौन और है, वो एक नंबर के गुंडा है। तो यहाँ पर कुछ नुकसान पहुँचा भी आये सबके, जो स्मोक अटैक भैल ना घर में पूरा धुआं धुआं वो कर भैले रहे। आई एम 100% श्योर, एंड वे स्मोक अटैक की वजह से बेचारी दादी के चोट लग गई। एग्जैक्टली, हमके पता रहे जब हम तोके पंडित के बारे में बताए तो तोके झटका लगी, ऐसे ने झटका प्रीता के भी लगी। अरे झटका का जब हम ओकरा पंडित के बारे में बताए ना वो तो इम्प्रेस हो जाए। झटका तब लगी जब हम ओकरा बताए कि सुना वो जब पंडित आये ना वो पंडित पंडित ना पंडित के रूप में 2% की क्रिमिनल है। प्रीता की दादी बा ना वो? हाँ तो और के कर लागत बा की तू भूल गई हा, वो प्रीता की दादी बा तोहार ना। आजकल हम नोटिस कर रहे बानी कि तू प्रीता और उकर फैमिली के लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन लेता,
जे लड़की से तो रिश्ता जोड़ ले रहे, हमार प्लान के मुताबिक अब तू ओकरा से अलग ही ना हो पा रहा। देखनी हम कि कैसे तू सरला के गला लगेला और कैसे झुकझुक के ओकरा से माफी मांगत रहल। अरे हम तो बोलत तने कि ए फालतू लोगन से बात कर बंद करा, मोनिशा पर कॉन्सेंट्रेट करा। वो लड़की पृथ्वी के लेके कुछ ज्यादा ही सेंटी बाड़ी, कभी भी घबरा के हमार मिशन छोड़ के भाग जाई हूँ यहाँ से। ई वक्त हमरा के मोनिशा के आस पास रह के चाहिए, ओकर हिम्मत बांधे के चाहिए। लेकिन नहीं, तू का कहला, तू तो पंडित के बात कर रहा बड़ा, वो दादी के बात कर रहा बड़ा। अरे फोकस करा, फोकस। अच्छा ये हुई कि तोरा से कोनो बात शेयर ना करी, सीधा जाए प्रीता के पास और ओकरे सब कुछ बताए, काहे कि वही हमके समझी। तू तब सोचबो ना जब तोहार भेजा में कुछ घुसी। का बोला तू कि तू जाके प्रीता के बताइबा वो पंडित के बारे में, वो तोरा से इम्प्रेस हो जाये। अगर प्रीता तोरा से पूछे है कि तू पंडित के बारे में कैसे जानत बाड़ा, तो का बोलबा? ओकरा खातिर दिमाग चाही जे तोरा अंदर ना, समझ लो। अगर तू जाके सब कुछ बता देला कि वो पंडित पंडित नहीं है, चोर बा, तो वो तोहार भी पर्दाफाश कर देगी। वो सबके बता दे कि तू और मोनिशा मिलल हा। अरे वो केहू भी मकसद से यहाँ आयल हा, ओकर कोनो भी मिशन हा। अरे हमरा के उस सब में ना पड़ेगी चाहिए। बात तो सही बोल रहा हो तू। और हाँ, आज के बाद हमरा के दोबारा ये बतावे की जरूरत ना पड़ेगी चाहिए कि प्रीता और ओकर फैमिली हमरा खातिर एकदम मायने ना रखेगी, समझ ला तू। अगर केहू मायने रखेला तो वो हा मोनिशा। अगर मोनिशा घबरा कर हमरा के डिच करके यहाँ से भाग गई ना, तो हम बर्बाद हो जाए। और एक चीज, और अगर आज की बात तू प्रीता और ओकर फैमिली के बारे में कुछ भी अच्छा कहला ना, हम उ तरह के डिच कर दे, हमरा के ज्यादा वक्त ना लागी, समझला तू। नाना बेबी एसन बाय।